Hello everyone, so today we are going to start a series of the videos in which I am going to solve all the questions from the NCERT Examiner book, which is very, very important. So I am starting with the chapter motion, that is long answer question, question number 19. It's a kind of numerical. So one by one we will solve these numericals for you all and in the easy way so that you can understand and solve it on yourself. So the statement kya bol rahi hai, an object is dropped from rest at a height of 150 meter. So numericals karne se pehle aapko kya karna hai ki you have to just write down ke which quantity is given and what we have to find out. So jaisa ki isme diya 150 meter height, clear hai hame ki height is 150 meter, and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meter. Ek object drop kiya 150 meter se, dusra humne 100 meter se. What is the difference in their heights after 2 seconds if both the objects drop with the same accelerations? How does the difference in height vary with time? So let's see the solution of this question, that how we can solve. So as you have seen in the statement of the question, what was given? Ek object 150 meter ki height se drop kiya, ek 100 meter ki height se drop kiya. To hume find out karna hai ki 2 second ke baad dono ki jo height, dono ki height mein jo difference hai wo hume find out karna hai, if both are thrown with the same acceleration. To hamare paas ab हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या डिस्टेंस, सपोज वन स्टोन इज हियर, राइट? अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर डायग्राम बना सकते हो तो उससे बढ़िया चीज कोई नहीं, दैट इज परफेक्ट पॉइंट. अगर आप नोट करो इस चीज को, ए बी एंड सी. तो एक स्टोन यहां से रिलीज किया, एक स्टोन यहां से रिलीज किया, मतलब सी एंड बी से. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिफरेंस था दोनों की हाइट में. तो दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वो हाइट नीचे आया. सो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन विच वी आर रिप्लेसिंग ए बाय जी एंड एस बाय एच, राइट? तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी, अगर हम फर्स्ट स्टोन की बात करें सी टू ए, तो इनिशियली इस पॉइंट पे जो स्टोन था रेस्ट पे था, और इस पॉइंट पे भी पहले हमने रिलीज करा. तो सी वाले पॉइंट की अगर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, राइट? यू जीरो है और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स है. फाइंड आउट करना है हमें एच, और बेटा जी की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम बताओ कि आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, यू टी एंड जी. यस, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? व्हाट यू सजेस्ट? सेकेंड, राइट? सेकेंड इक्वेशन. तो क्या बन गया हमारे पास, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. फर्स्ट स्टोन है तो हम इसको एच वन मान लेते हैं, राइट? या एच डैश कर लीजिए, कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो एच डैश विल बी इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4. 2 का स्क्वायर आ जाएगा या 2 स्क्वायर लिख लीजिए. सो हेयर वट वी कैन डू, वी कैन यूज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर आर कन्वीनियंस, राइट? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो ये हमारे पास आ गया 5 × 4, दैट इज 20 meters. ओके, तो व्हाट इज द मीन की जो ये वाला स्टोन है ये 20 मीटर नीचे आ गया अपनी पोजीशन से, 20 मीटर नीचे आ गया. सिमिलरली वी विल गो फॉर बी. बी पे भी इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो रहेगी, क्योंकि जीरो से हमें रेस्ट से रिलीज किया था, एंड टाइम अगेन 2 सेकेंड्स, राइट? और जी भी हमारी 10 हम यूज कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड के, वहां भी चेंज कर दीजिए 10, क्योंकि हमारे अगर न्यूमेरिकल में बेटा गिवन है कि यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8, तभी आपने जी 9.8 यूज करनी है, अदरवाइज क्या करनी है 10. दिस इज आवर चॉइस फॉर आवर कन्वीनियंस. तो एच डबल डैश मान लेते हैं इसको, दैट इज अगेन यू टी प्लस 1/2 जी टी स्केप, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो जी की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, अगर बॉडी अपवर्ड जाती है तो जी की वैल्यू नेगेटिव. तो एच डैश इज इक्वल टू 0 × 2, अगेन सेम कैलकुलेशन आएगी, सेम 2 × 4, तो एच डबल डैश भी हमारे पास कितना आ गया 20, राइट? मींस ये वाला स्टोन भी 20 मीटर नीचे इस पॉइंट पे. तो अब हमने ये बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था. अब सपोज जब वो सी वाला स्टोन है 150 मीटर की हाइट पे था, 20 मीटर नीचे आ गया, तो व्हाट वी कैन राइट, पोजीशन दैट इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड, राइट, इज इक्वल टू 150 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 130. ओके,
This is for stone 1. Stone 1. Right? Now, again, for stone 2. Stone 2 पे position कितनी हो जाएगी? पहले कितना था? 100 meter. तो 100 में से 20 और नीचे आ गया. कितना आ गया? 80 meters. तो दोनों की height में कितना difference रह गया फिर? कितना रह गया बेटा difference? जोर से बोलो, कितना रह गया? 130 minus 80. What will be the answer? 50 meters. Right? तो 50 meters का दोनों की height में difference है. This is the way to solve the numericals in an easy way. First of all, find out, try to write down what is given and what we have to find out. Equation side में लिखिए और उसको identify कीजिए कि कौन सी equation हम use करेंगे. So keep on watching for the more solutions for the NCERT example.